फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा जो वीडियो है ये मेरे लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में है। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एक बार मैं जो मेरा अहूजा का नया रिकॉर्डिंग डिवाइस है APD-30R, तो उसको यूज करके मैं आपके साथ अपनी फीडबैक जो है वो जरूर शेयर करूंगा। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको एक रिकॉर्डिंग लाइव करके भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं दो तीन बातें, जो जरूरी बातें थी वो आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो पहली बात तो ये कि लास्ट वीडियो देख के मुझे कुछ एक फोन आए थे कि आपने इसका प्राइस क्यों नहीं मेंशन किया। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मैं भूल गया था उसमें इसका प्राइस मेंशन करना। तो इसकी जो प्राइस रेंज है लगभग 3000 रुपए की रेंज में है, और मैंने ये पटियाला से लोकल ही खरीदा था। हमारे यहाँ पे नागी म्यूजिकल्स हैं तो उनसे मैंने ये खरीदा था। तो अदरवाइज कहीं पे भी कोई अहूजा का अगर आपका शोरूम हो आपके शहर में, तो डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो वहां से आप ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात, तो दूसरा मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया जो मुझे बहुत जेन्युइन लगा आपकी तरफ से, कि अभी तक आप ऑडासिटी पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने ये डिवाइस ले लिया। तो मेरे पास जो इसका वैलिड रीजन है वो ये है कि जितनी भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनमें से वो सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उनकी तरफ से जो क्वेरीज आती हैं वो बहुत जेन्युइन क्वेरीज होती हैं। तो ऑडासिटी मैं यूज करता हूं, बिल्कुल सेटअप में लैपटॉप लगा के करता हूं, बहुत अच्छी आउटपुट है उसकी, ऐसी बात नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन्स, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा लैपटॉप यूज करने में दिक्कत होती है, वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो वो यही पूछते हैं पहला सवाल कि कोई ऐसा डिवाइस उपलब्ध है जिससे हम सीधा ही रिकॉर्डिंग कर पाए। तो ये एक चीज इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, सिंपली आपने इसको प्लग इन करना है, ऑन करना है, एक दो लेवल सेट करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद रिकॉर्ड का बटन दबाना है, ऑन करना है और उसको ऑफ करना है, बस। क्योंकि लैपटॉप में जाके कई बार क्या है कि वो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई ऑप्शन अंदर जाके टिक हो गई या अनटिक हो गई, तो उस वजह से फिर हमें पता नहीं चलता कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है। तो इसमें ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपली रेडी टू यूज डिवाइस है। तो सीनियर सिटीजन्स को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उनकी ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली क्वेरी थी, उनके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो डिवाइस है बहुत इजी टू यूज है। तो 3000 रुपए के आसपास इसका प्राइस है, तो आप अपने शहर से कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। तीसरी बात, जैसा ये मैंने 3 दिन पहले लिया था डिवाइस, तो थोड़ा बहुत मुझे कनेक्शंस में एक दिक्कत आ रही थी कि आउटपुट मुझे इसका अच्छा नहीं मिल रहा था। तो पहले एक दो दिन तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, तो मुझे लगा कि शायद ये जो डिवाइस है किसी काम का नहीं है। बट फिर मैंने एक मेरे बहुत करीबी दोस्त है, साउंड इंजीनियर है वो, उनको कॉल करके पूछा, तो उन्होंने 2 मिनट में इसका समाधान निकाल दिया। तो वो कनेक्शन था एक छोटा सा जो मैं एम्पलीफायर में कर रहा था कनेक्शन, सॉरी उसमें मिक्सर में कर रहा था, तो वो मिक्सर में ना करके एम्पलीफायर में करना था वो कनेक्शन, और सभी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फिर अपने अहूजा के APD रिकॉर्डर की परफॉर्मेंस की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं थोड़ा सा आपको कनेक्शंस इसके बता देता हूँ। तो हालांकि कनेक्शंस में कोई ज़्यादा इसके मुश्किल बात नहीं है, सिंपली ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग वाला जो है यहाँ पे, तो ये केबल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, तो मैं अपने हिसाब से मैंने ये केबल जो थी उनसे ली थी। और पहले मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये जो केबल है इसका कनेक्शन मैं यहाँ पर कर रहा था, जो इसका रिकॉर्डिंग वाला है, ये आप देख पा रहे हैं रिकॉर्डिंग वाला, तो यहाँ से इसको मैं रिकॉर्डिंग की इनपुट दे रहा था। बट मिक्सर से रिकॉर्डिंग की इनपुट की एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सिग्नल था वो वीक था, और उस वजह से जो वॉल्यूम आ रहा था रिकॉर्डिंग का,
तो वो अच्छे से नहीं आ रहा था, वो बहुत कम था, अराउंड 50-60% वॉल्यूम जो था रिकॉर्डिंग का आ रहा था। तो अभी फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जो साउंड इंजीनियर थे, तो उन्होंने बताया कि आप इसका जो लाइन इन है वो आप लाइन आउट जो है वो मिक्सर की बजाय आप एम्पलीफायर से लीजिए। तो एम्पलीफायर से मैंने लाइन आउट लगा के तो यहाँ रिकॉर्डिंग में केबल का कनेक्शन कर दिया, तो उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्डिंग हो गई। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग। और एक चीज़ का जो मैंने अभी हिट एंड ट्रायल से देखा है, बाकी मैं देखूंगा कि लेवल्स जो हैं वो कीबोर्ड पे वॉल्यूम का कितना लेवल रखना है, इसके बाद ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसका कितना वॉल्यूम रखना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का कितना लेवल रखना है, ये चीज़ें अभी मैं शायद कुछ दिन लग जाएंगे, जब मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स करूँगा तो ऑप्टिमम लेवल्स मुझे पता चलेंगे। बट फॉर द टाइम बींग ये मैं अराउंड 50-60% लेवल पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का गेन है वो फुल रख रहा हूँ, और ये वाला जो है वॉल्यूम ये हमारा नॉर्मल वॉल्यूम है, जब हम सुनेंगे तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं अभी ज़ीरो पे कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग का गेन जो है वो फुल रख रहा हूँ, मिक्सर का, एम्पलीफायर का, कीबोर्ड का, और यहाँ से जो मिक्सर के वॉल्यूम्स हैं, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो अभी मैं देखूंगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। बट हालांकि मुझे अभी जो रिकॉर्डिंग मिली है, जो मैंने हिट एंड ट्रायल से कॉम्बिनेशन बिठाया है इनका, तो उससे भी आउटपुट जो है वो अच्छी ही मिली है। तो ये कुछ एक कनेक्शंस के बारे में, सिंपल कनेक्शंस हैं, आप खुद लगा सकते हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी हम बढ़ते हैं, देखते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ कि इसकी आउटपुट कैसे आती है। फ्रेंड्स अभी हम रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं धनविंदर जिप्पी जी हमें सेवाएं देंगे रिकॉर्डिंग की, और पेन ड्राइव जो है वो मैंने अटैच कर दिया है इसमें, और अभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। इस रिकॉर्ड का बटन को दबाएंगे जब, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए एक जो LED है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, तो उसका मतलब है कि हम रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं। तो अभी आप देखिए मैं रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस कर देता हूँ, वो देखिए रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गए। तो अभी 1, 2, 3 स्टार्ट। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई, और इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको आप रोटेट करके यहाँ पे जो भी आपको फाइल चाहिए रिकॉर्डिंग की तो वो आप ले सकते हैं। तो अभी मैंने ये जो वॉल्यूम लेवल है 50% कर दिया, अभी देखते हैं 50% पे जो रिकॉर्ड हमने किया है उसकी आउटपुट कैसे आती है। और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए जो ये वाला बटन है इसको हम प्रेस कर देंगे, तो ये मैंने प्रेस कर दिया। ये देखिए रिकॉर्डिंग जो है 50% लेवल पे, अभी मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अच्छा रिकॉर्डिंग का वॉल्यूम, अच्छी क्वालिटी मिल गई, और डायरेक्टली पेन ड्राइव में जो हमने रिकॉर्ड किया वो पेन ड्राइव में सेव हो गया, और उसको मैं पेन ड्राइव से निकाल के लैपटॉप में या डायरेक्टली मोबाइल के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था डेमो अहूजा APD30R, जो कि एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है, या फिर इसके अंदर आप पेन ड्राइव डाल के सॉन्ग्स भी चला सकते हैं पेन ड्राइव या कार्ड की मदद से, इवन इसमें ब्लूटूथ का भी फीचर है। तो अभी मैंने सभी फीचर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ जो इसका रिकॉर्डिंग फंक्शन था जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसको लिया है, तो वही फंक्शन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो जैसे ही कोई और इक्विपमेंट, कोई और गैजेट या कोई और इंस्ट्रूमेंट मैं अपनी कलेक्शन में ऐड करूँगा, तो उसकी ऑनेस्ट रिव्यू या फीडबैक जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जल्द ही मिलेंगे,
अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।